ओके तो आज है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कहाँ था, 1/a। बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/2। ठीक है, और फिर एज का भी देखे तो 1/2। ओके, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/2। हेलो, आज का क्लास 12th है, सॉलिड स्टेट है, लेक्चर नंबर 5 है। क्या है, लेक्चर नंबर 5। पिछले क्लास हम लोग क्या देखे थे कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ओके, फेस सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। एंड बॉडीज इन सेंटर का मतलब कि फेस सेंटर क्या होता है, 1/2। बॉडी सेंटर क्या होता है, 1। ओके ठीक है, आज की क्लास में क्या देखेंगे, यूनिट सेल। इसका डिफाइन पहले कर दिए थे कि यूनिट सेल क्या होता है। हम लोग जनरली क्या बोले थे, यूनिट सेल मतलब क्यूब होता है, क्योंकि हम मोस्टली क्यूब ही लेना है। ओके, अब देखिएगा मोस्टली कि अब क्या है कि यूनिट सेल है ना, दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला टाइप क्या है आपका, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, सिंपल यूनिट सेल। एक और बात याद होने बात है कि यूनिट सेल का ही दूसरा नाम क्या है, क्यूबिक सेल। क्या नाम है इसका, क्यूबिक सेल, क्योंकि हम लोगों को क्यूब ही पढ़ना है, इसलिए क्यूबिक सेल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है, एक है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब देखिए प्रिमिटिव सेल का पहले डिफाइन करके बता देते हैं। देखिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल करने का मतलब यह है कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट है। कहाँ है, कॉर्नर प्रेजेंट है। ये देखिए, अब पहले बोला क्यूब का बात है, तो ये देखिए आपका ये क्या है, क्यूब है। क्यूब में एटम कहाँ प्रेजेंट है, तो कॉर्नर प्रेजेंट है। कहाँ है, कॉर्नर पे। देखिए कॉर्नर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रहेगा। तो जब भी आए सिंपल यूनिट सेल, इसका मतलब एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। हमने जेड बताया था, जेड मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो जेड निकालने का तरीका क्या है, जेड कहने का मतलब यह है कि टोटल एटम कितना है, टोटल एटम 8 है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो टोटल एटम इंटू कंट्रीब्यूशन, तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, 8 × 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एटम। क्या होगा, 1 एटम। याद रखिएगा सिंपल प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल का जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटर यूनिट सेल की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, सेंटर यूनिट सेल। देखिए सेंटर यूनिट सेल में क्या है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एनी अदर प्लेसेस। मतलब एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और भी जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट एनी अदर प्लेसेस। अब देखिएगा तो मतलब कहीं भी हो सकता है, कॉर्नर पे तो रहेगा ही। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी तीन टाइप है। सबसे पहला क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड क्या है, इन सेंटर क्यूबिक सेल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हूँ, FCC, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ BFCC, इसको लिखा हूँ ECC। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके सबका जेड का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ओके अच्छा, इसका डिफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी, उसका जेड का आप लोग भी सुने होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है। बॉडी सेंटर पे कहाँ होता है, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे तो सब में रहेगा, कॉर्नर पे होगा और कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। इन सेंटर में होता है, कॉर्नर पे होता है और अपोजिट फेस पे होता है। इसका मैं अभी डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। ओके, ओके तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि FCC, BCC और ECC, इसका डेफिनेशन लिखवाना था और जेड का वैल्यू निकलवाना था। ठीक है, देखिएगा FCC का क्या है, FCC में क्या है कि हमने बताया था क्या, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। मतलब एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, उसके अलावा कहाँ होगा, फेस के सेंटर पे भी होगा। कहाँ होगा, फेस के सेंटर पे होगा। ये देखिएगा जरा, ये आपका क्या है कि एक क्यूब है, क्योंकि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, क्यूब ही होता है। हमने क्यूब बना दिया और कहाँ है, कॉर्नर, कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, और फेस सेंटर कितना होता है, 6 होता है, और फेस के सेंटर पे होगा, तो कितना होगा, 6 होगा, फेस के सेंटर पे होगा, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 3D फिगर है, यहाँ पे देखिए क्यूब जो होता है एक आगे और एक पीछे, और इसलिए एक आगे के लिए लगाए हैं, एक पीछे के लिए कोना बनाए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है कि
कॉर्नर एंड फेस सेंटर, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉर्नर लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, फेस सेंटर। कॉर्नर के लिए क्या होता है, 1/8 × 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 × 6, तो इसको कितना कि, अच्छा एक कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये तो बताया था अभी कि कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 होगा, और फेस सेंटर के लिए क्या होगा 1/2, देखा था ना कि फेस के सेंटर पर जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, चूंकि क्या 6 फेस है तो क्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा, इसे अच्छा से पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बीसीसी, क्या है बीसीसी, अगर साफ नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब देखिए बीसीसी में क्या है, बीसीसी में पहले बताया क्या कि एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कहाँ होगा, एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, नाम ही है बॉडी सेंटर, तो कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर पे और एक ही बॉडी सेंटर होता है, तो एक यहाँ पे, इसका जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर के लिए कितना हो गया 1/8 × 8, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 1 आ गया, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखती है, तो कितना हो गया 1+1, तो कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2, ओके। अब देखते हैं हम लोग इंड सेंटर, क्या नाम है इसका, इंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, यहाँ देखिएगा एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होगा, सब में कॉर्नर पे होगा, उसके अलावा कहाँ होगा, यहाँ पे अपोजिट फेस पे होता है, कहाँ पे होता है अपोजिट फेस पे, देखिए इसका फिगर बनाया हूँ, 8 कॉर्नर पे दे दिए और ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, क्योंकि अपोजिट फेस पे होगा, या फिर इधर और फिर इधर, दो तरफ हो सकता है, या तो ऊपर या नीचे होगा, नहीं तो अपोजिट साइड, इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसका जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉर्नर प्लस अपोजिट फेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद नहीं दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है अपोजिट फेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अपोजिट फेस। अब इसका देखिएगा कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस अपोजिट फेस के लिए 1/2 × 2, अच्छा 1/2 कहाँ से आया, तो अपोजिट फेस के लिए 1/2 तो बताया था ना कि फेस के लिए होता है 1/2, अब देखिए यहाँ पे तो क्या आइटम है कि दो ही आइटम प्रेजेंट है अपोजिट पे, तो एक इधर होगा या फिर इधर होगा, तो दो हो गया, या फिर इधर होगा ऊपर होगा और नीचे होगा, ठीक है, तो दो ही हुआ ना, तो क्या होगा 1/2 × 2, तो 8 × 1/8 प्लस 1/2 × 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। याद करने वाली बात क्या है, एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड का वैल्यू कितना होता है 4, बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 2, ईसीसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों जरूरी याद होना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, एक्चुअली सॉल्व करने का तरीका सीखिए, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं, तरीका आएगा तभी ही बनेगा, ओके ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, 4, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बनने के लिए बस दो से मुंह से बना सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर सीख लीजिएगा अच्छा से तो, ओके। देखिएगा क्वेश्चन है, एक कंपाउंड, थोड़ा सा पॉज करके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं बोल लेता हूँ, तो फिर क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा और फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, पॉज करके देखिएगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी, देखिए एक कंपाउंड है जिसमें क्या है ए और बी से वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है ए और बी से, दिस क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये क्या है क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, कैसे हो रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, व्हेन एटम ए आर एट कॉर्नर, ए कहां पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे है तो कॉर्नर पे है ऑफ क्यूब, एंड एटम बी आर एट सेंटर ऑफ बॉडी, और एटम बी कहां है सेंटर ऑफ बॉडी, देखिए इसने डायरेक्ट नहीं बोला बॉडी सेंटर, ये क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ बॉडी, क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ बॉडी, एंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो आपसे बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिए, देखिए आप जो पहले डाटा दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल तरीका से बनेगा, ए कहाँ पे है कॉर्नर पे है, कहाँ पे है कॉर्नर पे, तो ए कॉर्नर पे है तो क्या लिखेंगे बताइए, 8 × 1/2, क्योंकि हमने बताया था टोटल कॉर्नर, इसका जेड का वैल्यू लिखाया था ना 1, तो डायरेक्ट जेड का वैल्यू याद कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन हमको बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा 8 × 1/8, तो कितना हो जाएगा, सो कट करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा,
और बी का है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के लिए क्या बताया था कि 1 × 1 होगा तो 1 आएगा, जेड का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो ए का कितना आया 1 और बी का कितना आया 1, तो आंसर क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी। ओके याद रहेगा, ठीक है, मतलब बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सब कुछ वैसा ही है। तो ये एक एटम है, ए कहाँ पे है आपका कॉर्नर पे है, और फिर बी कहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ द बॉडी है, कहाँ है सेंटर ऑफ द बॉडी, और सी कहाँ पे, एक और हमने नया लाया है, बस सी को लाया है, कहाँ लाया है फिर सेंटर पे, कहाँ लाया है फिर सेंटर पे। देखिएगा ए है तो ए कहाँ पे है कॉर्नर पे है, कहाँ है कॉर्नर पे है। इसके लिए तो आपको पहले सॉल्व करके दिखा दिया था कि 8 × 1/8 तो 1 आ गया, और बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा 1 × 1 तो 1 आ गया, और फेस सेंटर क्या होता है इसके कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और टोटल एटम कितना होता है हाँ बताया था ना सब फेस पे होगा तो 6 होगा, तो 1/2 × 6 तो हो गया क्या 3। अच्छा बहुत बचा यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर देना, जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या था उस वाले क्वेश्चन में 4 था, पर यहाँ पे सिर्फ फेस सेंटर पे है ना, एफसीसी पे नहीं है, एफसीसी जब लिखा रहेगा तब 4 डालेंगे, सिर्फ फेस सेंटर लिखा हुआ इसलिए क्या डालेंगे 1/2 × 6। तो इसको 1 आ गया यहाँ पे बी वन, बी के जगह पे कितना आ गया 1 आ गया, फिर सी के जगह पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा ए 1 बी 1 और सी 3, क्या होगा ए 1 बी 1 सी 3। ओके ठीक है, और भी हम क्वेश्चन अभी कराएंगे, ठीक है ठीक है। अब देखिएगा उसी क्वेश्चन को थोड़ा और अपग्रेड किए हैं और थोड़ा सा हाई लेवल किए हैं। यहाँ देखिए ए कहाँ पे है आपका कॉर्नर पे है, कहाँ पे है कॉर्नर पे है, कहाँ गया ए कहाँ पे है कॉर्नर पे है, बी कहाँ पे है बॉडी सेंटर पे, और सी कहाँ पे है फेस सेंटर पे, इतना तक तो है। और इसके लास्ट में एक लाइन देकर पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का इफ 3 एटम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम फेस सेंटर, अगर 3 एटम अगर डिस्प्लेस होगा फेस सेंटर से, ठीक है 3 एटम अगर डिस्प्लेस होगा अगर फेस सेंटर से। देखिएगा ए कहाँ पे है कॉर्नर पे है, बी कहाँ पे है बॉडी सेंटर पे है, और सी कहाँ है फेस सेंटर पे, ठीक है जहां तक चल रहा है। लेकिन खास बात यह है ना कि फेस सेंटर पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अच्छा पहले मैं ए का पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए का कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 होगा तो 1 आ जाएगा, बी का बॉडी सेंटर पे है तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा, और सी पे हो जाएगा तो सी पे कहाँ होगा, देखिए सी में क्या है कि 3 एटम होता है, कितना एटम है 6 एटम होता है, लेकिन 3 एटम डिस्प्लेस हो चुका है, मतलब बचा कितना एटम सिर्फ 3 ही एटम बचा है। यहाँ क्या करेंगे 1/2 × 3 क्या हो जाएगा 1/2 × 3 ठीक है। तो ए का कितना आ जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा 1, सी का कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ए के लिए 1 लिख दिए, बी के लिए भी 1 लिख दिए, और सी के लिए कितना लिखे 3/2। तो आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला देखे हैं जिसमें फ्रैक्शन में हो, पर यहाँ पर तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर है उसी चीज से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर क्या है 2 है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 2 3/2 × 2 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए 1 × 2 = 2, तो ए 2, बी का भी क्या हो जाएगा 2, और सी का भी कितना हो जाएगा 3/2 × 2, तो 2 से 2 कट गया बचा क्या 3, तो आंसर क्या हो जाएगा A2B2C3, आंसर क्या होगा A2B2C3। अच्छा अभी तक का जो पढ़े हैं इतना ही न्यूमेरिकल आएगा, आप बुक से खोल करके देख सकते हैं, ठीक है पेज नंबर आप एनसीईआरटी का लगभग 4-5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक एक्सरसाइज का, और पेज नंबर देखिएगा तो एनसीईआरटी का लगभग आपका इंडेक्स क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ तक, ठीक है तो इतना देख लीजिए बना ही लीजिएगा, अगर इंडेक्स क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन लगभग 15 पेज से पहले तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बन जाएगा, और एनसीईआरटी का लगभग 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है तो यहाँ से देखिएगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आगे की क्लासेस में आ जाएगा, ठीक है अभी हम एक और क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इस टाइप का 3 क्वेश्चन कराएं इससे थोड़ा सा अलग होगा वो क्वेश्चन, ओके ठीक है।
देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एन एलिमेंट हैज बीसीसी लैटिस हैविंग यूनिट सेल। बीसीसी लैटिस में यूनिट सेल कितना है? 12.08 × 10⁻²। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सेल, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा ऐसे सेल्स में? देखिएगा फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे होता है, और कहाँ पे होता है? बॉडी सेंटर पे होता है। कहाँ होता है? कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 × 1/8, तो 1 आएगा, और बॉडी सेंटर कितना होगा? 1 × 1, तो 1 ही आएगा। इसका हमने पहले सॉल्व करके रखा है कि बीसीसी के लिए 2 आता है, जो उसको आता है वो डायरेक्टली क्या याद रखेगा? बीसीसी के लिए 2 रखेगा, और 2 से डायरेक्टली क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन दिस सेल, तो नंबर ऑफ एटम इन दिस सेल कितना होगा? 2 × 12.08 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 24